हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत में बीते दिनों जासूसी करते पाक उच्चायोग कर्मचारियों के पकड़े जाने और आईएसआई नेटवर्क के भांडाफोड़ से पाकिस्तान बौखला गया है। जवाबी कार्रवाई की छटपटाहट में उसने गिलगित बाल्टिस्तान में शुक्रवार को दो लोगों को पकड़ा, उनके भारतीय जासूस और भारतीय नागरिक होने का दावा किया। हालांकि पाक सरकार ने पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के भारतीय होने का ना तो कोई सबूत पेश किया है और ना ही उनकी गिरफ्तारी के बारे में भारत सरकार को कोई आधिकारिक सूचना दी है। पाक ने पुलिस हिरासत में दोनों के कथित इकबालिया बयान से ज्यादा कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जासूसी कांड में खुलासे के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब गिलगित बाल्टिस्तान में दो लोगों को भारतीय जासूस बताकर पकड़ा गया है। हालांकि उनके बारे में कोई भी सबूत अभी तक पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से नहीं साझा किया गया है और भारत में जिस जासूसी कांड का खुलासा हुआ था उसके बाद बुरी तरह पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब गिलगित और बाल्टिस्तान में दो लोगों को पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार किया और दावा यह है कि वो भारतीय जासूस हैं, लेकिन उनके इकबालिया बयान के अलावा कोई भी जानकारी पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से साझा नहीं की गई है। उन दोनों ही लोगों के भारतीय होने का कोई सबूत अभी तक जारी नहीं किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और ना ही भारत के साथ इन तमाम चीजों को सबूतों को साझा किया गया है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रणय, कितना बौखलाया हुआ है पाकिस्तान वो इस पूरी खबर से समझ में आ रहा है? देखिए, आपने ठीक कहा आदर्श, जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है उसमें दुष्प्रचार ज्यादा और सबूत नदारद नजर आते हैं, क्योंकि जब भी किसी दूसरे देश के नागरिक को किसी भी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, उस देश को सूचित किया जाता है, वो कैसे ये दावा कोई देश कर रहा है इस बारे में सबूत दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीते दिनों जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, जिस तरीके से पाकिस्तान उच्चायोग के दो कर्मचारी भारतीय सेना के बारे में संवेदनशील जानकारियां जमा करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, उसके बाद राजस्थान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तानी एजेंसी जो है खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरीके से पाकिस्तान भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है, हनी ट्रैप कर रहा है लोगों को, यह सामने आया। उसके बाद जाहिर तौर पर पाकिस्तान में शायद ये दबाव रहा होगा और उसी के दौरान यह कार्रवाई जो है की गई, जिसके अंदर यह दावा किया गया कि गिलगित बाल्टिस्तान से जिन दो लोगों को पकड़ा गया है वो भारतीय जो भारत का कश्मीर का क्षेत्र है वहां के रहने वाले हैं, वहां जासूसी कर रहे थे। लेकिन ये सारे आरोप हैं। इन आरोपों की पुष्टि में केवल इकबालिया बयान, जो कि कोर्ट में भी स्टैंड इसलिए नहीं करता क्योंकि हिरासत में लिए गए बयान के साथ साथ सबूत भी देने होते हैं, वो साबित इसमें नहीं है। दूसरी तरफ भारत के ऊपर अगर आरोप लगाया जा रहा है तो भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई सूचना दी गई। और आदर्श, ये वो लगभग वैसा ही मामला है अगर आपको ध्यान हो कि कुलभूषण जाधव के केस में भी शुरुआत के अंदर जब उन्होंने ये आरोप लगाए थे तो भारत सरकार को आधिकारिक सूचना तक नहीं दी थी, बाद में जब ये सूचना दी गई और भारत सरकार ने उससे इनकार नहीं किया। लेकिन इस मामले में तो वो सबूत भी नहीं है, वो दावे भी नहीं है, वो सारी चीजें भी नहीं है और किसी को भी पकड़ के अगर इस तरीके से कोई दावा किया जाता है तो वो निश्चित रूप से नजर आता है कि इसमें एक दुष्प्रचार की मंशा और दबाव ज्यादा है बजाय सबूतों के। मुझे एक बात बताइए प्रणव, दो अधिकारियों को भारतीय पाकिस्तानी उच्चायोग के, जैसे ही उनको रंगे हाथों पकड़ा गया 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया, कहीं ना कहीं किरकिरी जो हुई पाकिस्तान की वो संभल नहीं पा रही थी या फेस सेविंग की कोशिश की, अचानक इस तरह का मामला सामने आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो जिस तरह से आप खुद खड़ा कर रहे हैं कि क्यों नहीं कोई ऐसी जानकारी साझा की गई उनके भारतीय होने की जिसको सबूत के तौर पर देखा जा सके। जी बिल्कुल, देखिए किसी को भी अगर भारतीय कहा जाता है या किसी को भी भारत सरकार ने, आप देखिए कि यहाँ तबलीगियों वाले मामले के अंदर भी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए उनके संबंधित मिशन्स को इस बारे में जानकारी दी गई ताकि वो सरकारें जो हैं उनसे काउंसलर एक्सेस कर सकें। यहां ऐसा कोई मसला ही नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से ये जो पूरा घटनाक्रम है जिस तरीके से दो लोगों को अचानक से पकड़ के दिखाया गया, उनको मीडिया के सामने उनकी नुमाइश की गई, यानी आप उस देश को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जो सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि भारत सरकार को अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई और ये कोई पहला मामला नहीं आदर्श, इसके पहले भी जब जब उन्होंने इस तरीके से किसी को पकड़ा है तो भारत सरकार कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यानी जाहिर तौर पर इसमें मामला सूचित करने का या जानकारी देने का नहीं बल्कि एक तमाशा खड़ा करने का ज्यादा है। जबकि आप इसके विपरीत देखें कि भारत ने जिन दो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों को पकड़ा था उस बारे में पाकिस्तानी उच्चायोग को भी जानकारी दी गई, पाकिस्तान के उच्चायोग के जो वरिष्ठ चार्जशीट अफेयर्स हैं उनको बुला के बाकायदा इस मामले में आधिकारिक रूप से बताया भी गया, उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई और उन्हें पर्सन ऑफ नॉन ग्राटा यानी उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया। यानी एक पारदर्शी पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर किस तरीके से दो लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें बाकायदा राजनयिक मानते हुए
उन्हें इस चीज का एडवांटेज भी दिया जाता है कि वो 24 घंटे के भीतर देश छोड़ दें। लेकिन यहां इन दो लोगों को पकड़ा गया है, इसके पहले भी कई लोग पकड़े गए हैं और वो इस तरीके से धरपकड़ करते हैं, वो भारतीय हैं या नहीं है, इस बारे में फिलहाल कोई सबूत नहीं है। आदर्श जी, मुझे एक बात बताइए प्रणय, पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है जिस तरह से आप खुद भी बता रहे हैं। सवाल यह है कि सबूत तो उसने भारत को कुछ दिया नहीं, लेकिन अब वो एक इंटरनेशनल अटेंशन पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा, तो इसके लिए अब भारतीय अथॉरिटीज को भी तैयार रहना होगा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से। नहीं आदर्श, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस मामले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय तूल देने की कोई बहुत ज्यादा संभावना, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके के दावे पहले भी करता रहा है, बहुत सारे मामलों के अंदर करता रहा है। जब तक कि भारत सरकार या तो ये स्वीकार करे, भारत सरकार के पास जब तक पुष्ट सूत्र नहीं होते हैं, आधिकारिक जानकारी नहीं होती, तब तक इसकी कोई संभावना या आधार नहीं है। तो ये केवल एक तरफा दावे ही हैं, जब तक कि भारत इस चीज को स्वीकार न करे कि ये दोनों भारतीय नागरिक हैं या ये जो आरोप लगाए गए हैं इसके अंदर इनकी लिप्तता का कोई सबूत जब तक पाकिस्तान पेश नहीं करता, तो फिलहाल ये केवल एक तरफा दावों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इन दावों का आधार आपको साफ नजर आता है क्योंकि जिस तरीके का दबाव पाकिस्तान पे बना था, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे एक चेहरा, अपना चेहरा छुपाने की, अपना चेहरा जो है बचाने की कोशिश नजर आती है, क्योंकि डोमेस्टिकली इस तरीके के का दबाव बन ही रहा था। जो सवाल वहां भी पूछे जा रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी आखिर ऐसे करतूतों के अंदर क्यों लिप्त पाए जाते हैं, और इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि कई बार इस तरीके की घटनाएं आई थी। 2016 के अंदर भी शोएब जो है वो पकड़ा, महमूद अख्तर जो है वो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी, उन्हें भी इसी तरीके के घटनाक्रम के अंदर पकड़ा गया था और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा करार देते हुए देश छोड़ने के लिए कहा गया था। तो यह सिलसिला पहले भी चलता रहा है। जी जाहिर सी बात है, सिलसिला पहले भी चलता रहा है, कुछ ऐसी कोशिश एक बार फिर पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। प्रणय आप रहे हैं हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तान बौखलाया हुआ क्यों है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, भारत में पाक उच्चायोग से 3 जासूस पकड़े गए, पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पाक खुफिया एजेंसी ISI से इनके तार जुड़े हुए थे, जिस पर भारत ने सवाल उठाए और इन तमाम जो अधिकारी पकड़े गए, और अब पाक का 2 भारतीय जासूसों को पकड़ने का दावा उस घटना के बाद, यानी कि 31 मई को भारत ने जिन 3 लोगों को पकड़ा उसके बाद अब यह दावा पाकिस्तान की तरफ से। सवाल यही कि आखिर पाकिस्तान इस तरह की नौटंकी करके साबित करना क्या चाह रहा है। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।